Okay, so this is our last lecture, guys, about computer graphics वाला जो हम लोगों का subject चल रहा है उसका. और last time we have started with unit 5, ठीक है. और उसमें हम लोगों ने half of unit 5 जो था वो already कर लिया है. तो उसके आगे का जो बचा हुआ half unit है, that will discuss in today's lecture. Now I'll just open that document here. So as you can see here, we have that document. Animation वाला part हम लोग discuss कर रहे थे. Last time हम लोगों ने ये वाले topic discuss किए थे, that is secondary action, जहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, normally ये आपका clock है, और उसके बाद secondary action हम लोग बताएंगे कि okay, जो time था वो change हुआ. आपने बहुत बार movies में देखा रहेगा कि ये person जो है वो waiting में खड़ा हुआ है. लाइक अगर मुझे बताना है कि सम कैरेक्टर इज वेटिंग फॉर समवन, सो वो टाइम पे हम लोग ऐसा कोई सेकेंडरी एक्शन बताएंगे. सेम वे यहाँ पे हम लोगों ने कोई सेकेंडरी एक्शन दिया हुआ है ना. सो वो आपका हो गया. देन उसके आगे टाइमिंग. नाउ टाइमिंग प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल. कभी कभी आपने देखा रहेगा कि कोई एक चीज़ को हम लोग काफ़ी स्लो और फास्ट करते हैं स्पेशल इफेक्ट देने के लिए. जैसे आप कभी देखो कि कोई हम लोग लाइक कोई खाना बनाने वाला कोई फूड रेसिपी देख रहा है, तो अब जब अगर कोई एक मेन कोई डिस्कशन जब चल रहा रहता है, तो आपका जो स्पीड आपका जो मेन वीडियो स्पीड रहता है वो नॉर्मल रहता है. काफ़ी इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स जब अगर हम लोग लाइक फाइनल डिश बन गया और जब हम लोग उसको टेस्ट करते हैं और रिएक्शन देते हैं, वो एकदम थोड़ा स्लो में आएगा, बिकॉज वो हम लोग को हाईलाइट करना रहता है. बट उसके साथ में अगर कहीं पे कोई वेजिटेबल कटिंग हो रहा है, हम लोगों ने देन गैस चालू किया, 10-15 मिनट अगर वो कुकिंग हो रहा है, तो वो जो टाइम है वो टाइम हम लोग फास्ट फॉरवर्ड बताते हैं कि जल्दी जल्दी से हो गया है ना. तो वो व्यूअर्स जो है उनको वो देखने में मज़ा आता है. तो सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे फॉलो होता है. टाइमिंग. टाइमिंग इज द नंबर ऑफ इमेजेस इट टेक्स फॉर एन एनिमेशन टू मूव फ्रॉम वन इमेज टू अनदर. अब आपको कोई एक इफेक्ट, मतलब कोई एक चीज़ स्लो मोशन में बताना है, फास्ट बताना है, फास्ट फॉरवर्ड बताना है, नॉर्मल स्पीड पे बताना है, उसके हिसाब से हम लोगों के यहाँ पे जो इमेजेस है उसके बीच में स्वैपिंग होगा. सो सॉरी, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों के जो इमेजेस होते हैं ना, उसमें आपका पर सेकेंड 20-30 इमेजेस स्वैप होता है स्पीड पे, तब जाके आपको एक मूविंग इफेक्ट मिलता है. और जो नॉर्मल हम लोग टीवी देखते हैं उसमें ये सेम रेट जो है ये समथिंग 40-60 के बीच में होता है. एनिमेशन का रेट जो है वो 30 के अप्रॉक्स कुछ होता है पर सेकेंड. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका जो स्पेसिंग है, मतलब अगर मुझे बताना है कि कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड में आ रहा है, तो आप देखो कि वो स्पीड जो है वो हम लोग बताते हैं जब एनिमेशन बताते हैं, है ना. कोई एक ऑब्जेक्ट अगर स्लो में आ रहा है तो हम लोग वो भी बताते हैं. तो वो आप जो कैरेक्टर बता रहे हैं उसका स्पीड, वो कितना स्पीड से आ या जा रहा है, और दो इमेजेस के बीच में, दो फ्रेम्स के बीच में कितना टाइम है, उसके बेस के ऊपर हम लोग को पता चलेगा कि कोई एक चीज फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है. लाइक कोई एक एजेड पर्सन अगर हम लोग बताएंगे, तो वो जब मूव कर रहा है तो उसका मूवमेंट जो होगा वो स्लो होगा, इज वॉकिंग वेरी स्लोली. जैसे जैसे अगर मैं बता रहा हूँ कि वो अगर यंग है, तो उसके हिसाब से उसका चलने का जो स्पीड है वो चेंज होते जाएगा, as you can see. And जब वो अगर अपने teenage age में रहेगा, वो time पे उसका speed जो है वो fastest होगा. Then if something is moving, so यहाँ पे हम लोग उसका weight के ऊपर भी focus करते हैं. Next जो point है, that is weight. Timing also defines the weight of an object. जैसे अगर कोई एक object बहुत light है, तो वो object हवा में उड़ते रहेगा अगर हम लोग उसको फेंकेंगे, और वो स्लोली स्लोली मूव करेगा. और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है और उसको अगर हम लोग ऊपर से अगर नीचे गिराएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट जितना हैवी रहेगा उतना उसका नीचे गिरने का जो स्पीड है
वो ज्यादा रहेगा, कॉमन साइंस है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इफ यू वर टू हिट अ बलून तो दो डिफरेंट एक्शन होंगे। जैसे होली का बलून अगर हम लोग पानी भर के फेंकेंगे बहुत फास्ट ट्रैवल करेगा वो, और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा, ठीक है, दो चीज है। और उसी के सामने आपने सिर्फ एक हल्का सा सिंपल सा बलून फेंका जिसमें सिर्फ हवा भरा हुआ, तो वो पहले तो आप कितना भी ताकत लगा लो वो दूर तक जाएगा नहीं, और वो बहुत स्लो ट्रैवल करेगा, है ना, तो उसका स्पीड जो है वो चेंज रहेगा, बस दैट्स वन थिंग। स्केलिंग प्रॉपर्टी लाइक इमोशंस वो यहाँ पे, सो वो हो गया। उसके बाद का हम लोग का नेक्स्ट जो स्टेप है एनिमेशन में वो है एक्स एग्रीगेशन, सॉरी एग्जैजरेशन सॉरी। सो एग्जैजरेशन का मतलब क्या रहेगा, एग्जैजरेशन मतलब कोई चीज नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही बताना। एनिमेशन में अगर आप देखेंगे कि हम लोग चीज़ों को एग्जेजरेट करते हैं, जिससे रियल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग जब चीज़ों को एग्जेजरेट करते हैं तो फिर वो रियल इम्पैक्ट या रियल इफेक्ट आता है। जैसे अगर कोई सरप्राइज होता है तो आपने देखा रहेगा कि उसका जो जॉ है वो नीचे तक ज़मीन को टच हो जाता है, इतना कोई सरप्राइज होता है। जब उसको जोर से लगता है तो आँखें बाहर आ जाता है, अगर गुस्सा आता है तो वो एकदम लाल हो जाता है, बैकग्राउंड से आग निकलता है, रियल में ऐसा नहीं होता है। तो वी आर जस्ट एग्जैजरेटिंग द थिंग्स, और वो जब आप चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं तो उसके हिसाब से जो इम्पैक्ट है या जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा आता है। जैसे यहाँ पे देखो, एक्चुअली बॉल जब बाउंस होता है तो वो राउंड ही रहता है और वो ऐसे ही दिखता है, लेकिन हम लोगों ने चीज़ों को एग्जैजरेट किया। जहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने बॉल को इतना जोर से नीचे हिट किया तो ये अभी नीचे हिट हो रहा है, ये आवाज़ आ रहा है, तो ये आवाज़ हुआ, नीचे ज़मीन को हिट हुआ, उसने ज़मीन तोड़ दिया, तो हम लोग यहाँ पे एग्जेजरेट कर रहे हैं, है ना, आपस में एक्स्ट्रा इफेक्ट आ रहा है। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉल जो है वो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ये स्ट्रेच हुआ, फिर यहाँ पे वो कंप्रेस हुआ, तो वो बता रहे हैं हम लोग। देन बॉक्सर होता है तो बॉक्सर का हाथ सीधा ही जाता है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है ना, वो कभी भी एकदम ऐसा उड़ के हवा में उड़ के नहीं जाता है, वो सिर्फ पिक्चर में होता है। सो दिस इज द रियल वन, दिस इज द एक्चुअल वन, और ये एग्जेजरेटेड है, लेकिन कार्टून में एनिमेशन में हम लोग को ये देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर मैं ऐसा नॉर्मल बताऊंगा तो लोग बोर हो जाएंगे, छोड़ देंगे देखना। देन अगर कोई अगर सेम गोल्फ अगर खेल रहा है और उसने जोर से शॉट मारा, तो रियल में हम लोग जब देखते हैं ना जोर से शॉट मारा तो बंदा उधर ही रहता है, ऐसे कोई पूरा वो गोल घूमता नहीं है, ना ऐसे कोई स्पेशल इफेक्ट आते हैं रियल के गोल्फ मैचेस जो रहते हैं। लेकिन जब आप एनिमेशन में बताएंगे तो आप इसको इतना एग्जेजरेट करेंगे कि ये जो बॉल है इतना जोर से मारा कि ये बंदा 2-3 राउंड घूम गया, फिर वापस वो घूम के वापस सीधा अपने ओरिजिनल पोजिशन पर आएगा, बॉल दूर किधर तो आसमान में गया या और कहीं पे जोर से लगा, ये हर एक चीज़ को हम लोग एग्जेजरेट करते हैं और वो एक रियल फील आपको प्रोवाइड करता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। ओके सॉरी, यहाँ पे थे हम लोग एग्जेजरेट, तो ये आपको दिया हुआ है, दैट्स वन थिंग। सॉलिड ड्राइंग, अब ये सॉलिड ड्राइंग होता क्या है, एज यू कैन सी सॉलिड ड्राइंग के अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, एंड वाई डू वी रिक्वायर दिस सॉलिड ड्राइंग्स। हम लोग ये सॉलिड ड्राइंग्स जो मिलते हैं कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, ये सॉलिड ड्राइंग को हम लोग रियल बनाते हैं। तो सबसे पहले एक ड्राइंग्स बनेंगे, ठीक है, ये ड्राइंग्स बना, फिर वो ड्राइंग्स को हम लोग थोड़ा 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 मॉडिफाई करते हैं, एंड देन ऐसे ही हम लोगों को पता चलेगा कि एनिमेटेड कैरेक्टर्स जो है वो कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे डांस करेंगे, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, अगर वो गुस्सा होंगे तो कैसे दिखेंगे, अगर वो हैप्पी होंगे तो कैसे दिखेंगे, ये आप सॉलिड ड्राइंग्स स्केचेस बनते हैं उससे पता चलता है। बट याद रखो ये आपके आर्टिस्ट रहते हैं, स्केच आर्टिस्ट रहता है जो ऐसे स्केच आपको बना के देते हैं, लेकिन ये स्केच के बेस के ऊपर एक रियल ड्राइंग मतलब रियल लाइफ कैरेक्टर, ये स्केचेस को जिंदा करना उसमें सबसे ज्यादा मेहनत रहता है। तो
जो स्केच आर्टिस्ट होता है वो आपको सिर्फ एक कैरेक्टर बता रहा है, ये कुछ ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन उसको प्रोग्राम करना, उसको जिंदा करना, उसको आवाज देना, कलर देना, उसको उस पे इमोशंस इंटीग्रेट करना जो डायरेक्टली व्यूअर से कनेक्ट हो पाए, बराबर है। स्केच में ऐसा नहीं बता सक, जैसे अगर मैं शिनचैन जैसा एक कैरेक्टर जो है उसका मैं स्केच बना सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे ये जज नहीं कर सकता कि वो कैसे चलेगा, वो चलने के टाइम कैसा लगेगा, बोलने के टाइम पे उसका वॉइस कैसे आएगा, वो डायलॉग डिलीवरी कैसे करेगा, जब अगर वो हंसेगा तो एग्जैक्टली उसके एक्सप्रेशंस कितने चेंज होंगे, जब अगर उसको मार पड़ेगा तो उसका रिएक्शन कैसे रहेगा। आप स्केच पे लिमिटेड चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन ये सॉलिड ड्राइंग्स जो है ये आपको एक आ, आ, एक पैटर्न प्रोवाइड करते हैं जहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि ओके इसके आगे हम लोग को चीज़ें कैसे बनाना है। तो आपको एक एनिमेशन बनाने के लिए सॉलिड ड्राइंग्स बहुत ज़रूरी रहता है, जैसे यहाँ पे ये सारे सॉलिड ड्राइंग्स दिए हुए हैं, तो ये सारे जो सॉलिड ड्राइंग्स है इसी को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग का फाइनल जो एनिमेशन है वो क्रिएट करता है। आप अगर देखेंगे कि अलग अलग पोज में, अलग अलग सिचुएशन में कोई एक कैरेक्टर कैसे बिहेव करेगा वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं। अब कौन सा सिचुएशन रहेगा, स्टोरी लाइन क्या रहेगा, जैसे हम लोग अगर कोई कार्टून देखते हैं तो उसके हर एक छोटे छोटे एपिसोड्स रहते हैं, और वो हर एक जो छोटे एपिसोड्स रहते हैं उनका अपना एक स्टोरी लाइन रहता है, और वो स्टोरी लाइन के हिसाब से इसमें से सर्टेन स्केचेस जो है वो आपका कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई होंगे, मतलब आपका कैरेक्टर वैसे बिहेव करेगा। सो वो स्टोरी लाइन क्या रहेगा, स्टार्ट कैसे होगा, एंड क्या होगा, इसके लिए हम लोग के पास स्टोरी टेलर अलग से रहता है। तो हम लोग के पास स्केच आर्टिस्ट रहेंगे, देन ये स्केच आर्टिस्ट ने जो कैरेक्टर बनाया हुआ है वो कैसे बिहेव करेगा, उसका वॉइस कैसे होना चाहिए, उसके लिए अलग से एक पर्सन रहेगा। देन इसको लाइव करने वाले के लिए हम लोग के पास एनिमेटर्स रहेंगे ऑफ कोर्स, और अलग अलग एपिसोड प्लान करने के लिए स्टोरी टेलर्स रहेंगे। नाउ स्टोरी टेलर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, जो एक छोटी सी चीज़ को इतना एक्साइटेड, इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि लोग सुनते हैं। जैसे आप देखो कि वी हैव मैनी पीपल जो कभी कभी अगर जोक भी क्रैक करते हैं तो हम लोग को हंसना नहीं आता है, और कोई कोई रहता है जो कोई एक सिंपल से चीज़ को भी इतना ह्यूमरस वे में बोलता है कि पीपल लाफ एट देर सिंपल जस्ट कन्वर्सेशंस। सो ये एक स्किल्स होता है कि जहाँ पे आप ऑडियंस को होल्ड करके रखते हैं उसको स्टोरी टेलर बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे स्टोरी टेलर्स या ऐसे स्क्रिप्ट राइटर्स हम लोग को रिक्वायर्ड है जो ये कैरेक्टर के साथ में एक ऐसा स्टोरी अटैच करे जो ऑडियंस उसको होल्ड करके रखे। दैट इज अनदर पार्ट ऑफ एनिमेशन, कि अभी आप जैसे आप देखो कि शिंचन है, तो अब वो स्टार्टिंग के जो सर्टेन एपिसोड्स है ना उसके, वो एपिसोड्स तो उन्होंने चेंज कर दिए, मतलब वो जो स्टार्टिंग के जो उसके एपिसोड्स आते थे और उसमें वो कैरेक्टर, मतलब जितना वो, अगर मैं थोड़ा अगर लैंग्वेज यूज़ करूँ तो इतना हरामी बताता वो कैरेक्टर कि छोटे बच्चों के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसके लिए थोड़े टाइम के लिए वो कार्टून को बैन किया था, और बाद में विद सम लिमिटेशंस दे हैव स्टार्टेड बैक दैट कार्टून। तो स्टार्टिंग में जो उसके डायलॉग्स आते थे ना वो बहुत ज्यादा थोड़े बड़े बच्चों वाले थे, मतलब दैट वाज द मेन अट्रैक्शन कि बड़े बच्चे भी देखने लगे थे, गेटिंग। सो एक छोटा सा कैरेक्टर कैसे लड़कियों पे लाइन मारता है, अब छोटा बच्चा है लेकिन आप उसको वो लेवल पे बता रहे जिसकी वजह से दिस दिस गॉट अ पॉपुलैरिटी। तो वो हम लोग का स्टोरी लाइन है कि वो एक 5 साल का बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो वो ऑडियंसेस को होल्ड कर रहा है, वो एक डिफरेंट चीज है कि जहाँ पे मैं उसको पोकेमोन की जैसा कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं बता रहा हूँ, डोरेमोन के जैसे मेरे पास कोई गैजेट्स नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा बच्चा है जो लोगों को परेशान कर रहा है, और वो कौन से वे में परेशान करेगा वो हम लोग स्टोरी के थ्रू बताएंगे। और जब अगर ये एक छोटा बच्चा अगर परेशान कर रहा है तो वो क्या वे में आप रिप्रेजेंट करोगे वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। सो वही आपका स्केचेस जो है वो, ये जो आप स्केच बनाएंगे ना उसमें वो एक छोटा बच्चा भी दिखना चाहिए, उसके अंदर जो नॉटीनेस है वो भी आना चाहिए, और वो
किसी को परेशान कर सकता है तो वो कितना ज्यादा नॉटी हो सकता है वो भी यहाँ पे आना चाहिए। और अगर कोई कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा वी कैन से कि उसका जो एक्चुअल में लोग उसको कैसे अज्यूम करने चाहिए ये आपके ऊपर है, तो स्केच आर्टिस्ट बनाएगा, देन जो एनिमेटर्स उसको जो लाइव करेंगे उनके ऊपर है कि वो उसको ये वे में लाइव करेगी ऑडियंसेस उसको पकड़ के रखे। एंड दैट इज द मेन रीजन आप देखो कि सर्टन कार्टून जो है वो सालों से चले आ रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, जैसे टॉम एंड जेरी है सालों से चल रहा है लेकिन आज भी आप देखो कि कहीं ना कहीं वो टॉम एंड जेरी के कोई ना कोई एपिसोड जो है वो लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ एक्शन, क्या बोला है, अ स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ एक्शन गोज थ्रू अ होल बॉडी इल्यूस्ट्रेट द फोर्स ऑफ एक्शन। जैसे आपने वो पॉकेमोन देखा रहेगा, वो बॉल फेंकता है उसमें से जो पॉकेमोन्स है वो बाहर आते हैं या उसके अंदर जाते हैं, तो वो लाइन ऑफ एक्शन है कि बहुत जोर से वो कोई एक बॉल फेंकता है, ड्रैगन बॉल या कुछ बोलते हैं, तो वो फेंकेगा उसमें से कोई पॉकेमोन्स बाहर आएंगे या कोई पॉकेमोन्स उसके अंदर जाएंगे। देन यहाँ पे एक कैरेक्टर दिया हुआ है जो किसी को पॉइंट आउट कर रहा है या किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा है, सो लाइन ऑफ एक्शन बताता है यहाँ पे वो कितना उसका पूरा बॉडी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है ना। सो वेट एंड बैलेंस जो है वो भी चेंज होगा। सो अबाउट द आई थिंक अबाउट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द कैरेक्टर एंड हाउ इट्स सपोर्टिंग हिमसेल्फ, मेक श्योर इज इन बैलेंस एंड इजंट ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग ओवर, बराबर है। सो अगर आपको कोई कैरेक्टर को अगर कॉमेडी बताना है तो कभी कभी हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये इतना जोश में बोला कि बोलते बोलते गिर गया, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर सीरियस कन्वर्सेशन अगर चल रहा है तो उसका बॉडी एक्शन लाइन ऑफ एक्शन होगा लेकिन उसके साथ में उसका ग्रेविटी भी मेंटेन करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कैरेक्टर गिर गया, है ना। देन ट्विनिंग, ट्विनिंग का मतलब होता है इल्यूजन ऑफ लाइफ, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज द ट्विनिंग, सो इफ यू नोटिस इट्स टू अवॉइड सिमेट्री इन अ पोज, इफ द आर्म्स मिरर वन अनदर इट कैन मेक द ड्रॉइंग लुक फ्लैट, रेज वन आर्म और ब्रिंग इट क्लोजर टू अ कैमरा टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर डायमेंशनल, लाइक इल्यूजन ऑफ लाइफ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिकल कैरेक्टर बना रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसका पोज जो है वो क्या किया, चेंज किया, आई एक्सप्रेशन, हाथ के एक्सप्रेशन एक ऊपर नीचे कर दिया, बॉडी थोड़ा बैंड कर दिया, आईज जो है वो पहले सामने देख रहे थे अभी राइट साइड या लेफ्ट साइड देख रहे हैं, तो आप अगर देखेंगे ऑलमोस्ट कैरेक्टर जो है वो सेम ही लग रहा है, थोड़े कुछ रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम लोगों ने चेंज कर दिए। तो अगर मैं यहाँ पे ये कैरेक्टर को एज इट इज अगर यहाँ पे बताऊंगा ये उसका शेडो मिरर में या पानी में तो ये कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगा, तो वो टाइम पे ये वुडन कैरेक्टर टाइप लगेगा कि ऐसे ही ये तो पड़ा हुआ है कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं दे रहा है, लेकिन आपको क्या करना है वो मिरर में वो एक्स्ट्रा इफेक्ट डालना है जिससे लोग उससे कनेक्ट हो सके, तो वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। देन सैल्यूट है, अ क्लियर सैल्यूट हेल्प्स द व्यूअर टू इंस्टेंटली अंडरस्टैंड अ पोज, जैसे यहाँ पे देखो अभी ये जो पोज है इसमें आपको कुछ दिख नहीं रहा है उसका फेस या क्या है, लेकिन ये जो ब्लैक कैरेक्टर जो भी कुछ करेगा इससे आपको इसका एटीट्यूड, गुस्सा, इसका एज, उसका आवाज सुन के उसका जेंडर आप बहुत इजीली बता सकते हैं, गेटिंग। देन वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज ट्विस्ट, तो ट्विस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वी हैव सच कैरेक्टर्स, अब वो कैरेक्टर्स जो है वो हम लोगों ने बहुत पतले बताए, तो कभी कभी आपने देखा रहेगा कि वो कैरेक्टर्स को अगर किसी ने जोर से मारा तो एक दो राउंड घूम के पूरे ट्विस्ट हो जाता है, अगर खींचा तो एकदम लंबे हो जाएंगे, है ना, भागने लगे, रोक गए, तो ये सब जो है अगर आप देखेंगे ट्विस्ट जो है वो बहुत ईजिली आता है उसमें, तो वो भी हम लोग एनिमेशन में बताते हैं, दैट इज एग्जेजरेशन। ओके नाउ काउंटर पोज इन इंग्लिश बोलते हैं, ट्विस्ट का मतलब है जैसे यहाँ पे ये कैरेक्टर अगर चल रहा है सो देखो ये उसके पैर में यहाँ पे ट्विस्ट है, देन उसका बॉडी जो है वो थोड़ा राइट साइड आ गया है, पैर उसके आगे जा रहे हैं, आपको दिख रहा है ये उसके बॉडी में ट्विस्ट आए हुए है। अब ये जो हम लोगों ने ऊपर वर्ड देखा उसको इंग्लिश में मतलब ये जो है ये कुछ फ्रेंच वर्ड है आई थिंक, तो इसको अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं काउंटर पोज। काउंटर पोज मतलब अगर मुझे बताना है कि ये कैरेक्टर ये
स्टिक जो है उसके पास, ये स्टिक का हेल्प लेके उस पे वो बैलेंस करके खड़ा है या उसका सपोर्ट लेके खड़ा है। तो काउंटर पोज में क्या रहेगा, स्टिक जो साइड में उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका बॉडी रहेगा, है ना। सो वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि ओके मुंडी जो है उसका फेस जो है वो थोड़ा टिल्टेड रहेगा और लेग्स जो है वो उसका पोजीशन जो है वो थोड़ा आउटसाइड जाएंगे, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि हाँ वो ये स्टिक जो है इसका सपोर्ट लेके खड़ा है। नॉर्मली अगर हम लोग भी कोई चीज़ का सपोर्ट लेते हैं तो ये सेम पैटर्न फॉलो होता है। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो आता है एनिमेशन के अंदर अपील। ये देखो, अब ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया, भले वो विलन कैरेक्टर है लेकिन वो विलन कैरेक्टर भी इतना फेमस हुआ कि पीपल लाइक दिस कैरेक्टर। आपने देखा रहेगा वो जोकर का वो पूरा ट्रेंड ही चालू था, वो टिकटॉक पे बंद हुआ उसके पहले, पागल हो गए थे लोग वो जोकर का कुछ तो ट्रेंड चलाने में। देन ये दो बनीज आप अगर देखेंगे, सो दिस डिफाइंस द क्यूटनेस। तो ये दिस इज समथिंग विच इज अपीलिंग। तो एक फोटो जो जोकर वाला है दैट अपील्स कि ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है एंड दिस अपील्स द क्यूटनेस, है ना। सो ये जो अपील है ये दिखना चाहिए कि आप क्या रिप्रेजेंट करने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे ये जो है ना, ये जो अपीलिंग जो है ये हम लोग बता सकते हैं कि दिस माइट बी फॉर गर्ल, या कोई बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया हुआ है, या मॉर्निंग विश कर रहा है, बर्थडे विश कर रहा है। दिस इज अपीलिंग अ क्यूट एज वेल एज वी कैन से कि अ काइंड ऑफ रोमांटिक हो सकता है ये, या फिर आप कैसे वे में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसके बाजू में अगर मैं फ्लावर्स या कलर थोड़ा अगर मैं चेंज कर दूँ, सो दिस गेट्स रोमांटिक, बराबर है। और यहाँ पे अगर मैं छोटे बच्चों की जैसा एनवायरनमेंट कर दूँ तो आई कैन से कि दिस इज स्पेशली डेवलप्ड फॉर चाइल्ड्स, जिनको हम लोगों ने गिफ्ट दिया हुआ ये दो बनीज। देन सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज सो अपीलिंग। ये देखो, ये हम लोग के पास कैरेक्टर है। अब ये जो डॉग है ये एक्चुअल में बहुत अच्छा डॉग है। हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग इट, सी एज यू कैन सी दिस कैरेक्टर इज सो अपीलिंग, दिस डॉग लुक्स सो क्यूट। The way this dog behaves, the way he barks or the way he walks, है ना। So he keeps smiling throughout the movie, कहीं ना कहीं, and he is crazy for food, तो हम लोग वैसा बता रहे हैं। तो ये अपील होते हैं। Then we have this character जो aged है, smart है। Then we have this child जो again थोड़ा सा dumb जैसा है या स्मार्ट है, तो हम लोग उसको वो वे में रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा एकदम चबी है तो हम लोग वैसा कुछ बता सकते हैं, है ना। देन ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज समथिंग अ रोमांटिक सिचुएशन, वैसा बता रहे हैं हम लोग। ये बिजनेस वुमेन है तो उसका रिप्रेजेंटेशन या अपीलिंग से पता चल रहा है। ये कोई मॉडल है तो ये उसके अपील से पता चल रहा है। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दिस, इसको अपीलिंग कैरेक्टर बोलते हैं कोई एक चीज का, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देन इसके बाद में आता है इमेजेस। अब इमेजेस क्या बोल रहे हैं, एन इमेज क्या होगा, इमेज हम लोग को सबको पता है। यहाँ पे आपका एनिमेशन वाला पार्ट खत्म होता है, इसके बाद में इमेजेस वाला हम लोग का टॉपिक चालू होता है। दिस इज द न्यू टॉपिक इन यूनिट 5। ओके, दैट इज इमेज। सो इमेज क्या होगा, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, बराबर है। एन इमेज इज पिक्चर दैट हैज बीन क्रिएटेड और कॉपीड स्टोर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, वी ऑल नो दिस डेफिनेशन। टाइप ऑफ इमेजेस जेपीजी, जिफ, देन अगेन एनिमेटेड जिफ जो आता है। सो जिफ जो है वो हम लोग जिफ प्रोनाउंस करते हैं, मतलब जे से वो प्रोनाउंस होता है, जिफ, जिफ नहीं जिफ। सो ऐसा कुछ वो प्रोनाउंस कर रहे हैं, जेपीजी है। अगर आप देखेंगे ये जेपीजी जो है ये क्यों स्टार्ट क्यों हुआ था, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। दिस डेवलप्ड एंड मेंटेन्स अ स्टैंडर्ड लाइक कंप्रेशन एल्गोरिदम है फॉर कंप्यूटर इमेजेस फाइल्स। सो हम लोगों ने बेसिकली जेपीजी बनाया इसके लिए था कि कोई एक इमेज को हम लोग कंप्रेस करके हम लोग स्टोर कर सके कंप्यूटर में। जिफ इमेज, ये जो जिफ इमेज जो है इसका हम लोग को पता ही है, 2D रास्टर डेटा जो है इसको आप कंबाइन करके एक लूप में चला सकते हैं। PNG इमेज है,
अब ये पीएनजी इमेज जो है ना, ये बहुत जरूरी है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी इमेज अगर आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट इमेज रहता है, जो हम लोग बहुत सारे लोकेशन पे यूज करते हैं, तो बैकग्राउंड के हिसाब से वो अपना एनवायरनमेंट को सेटअप कर सकता है। दैट इज द पीएनजी। देन नेक्स्ट वी हैव एसवीजी, इज द स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, वो आएगा। एग्जाम्पल में फाइल्स होता है, जब अगर हम लोगों को कोई कभी अगर हम लोगों को कोई वेब पेज के बीच में अगर डेटा अगर एक्सचेंज करना है, सो फॉर दैट पर्पज वी यूज एग्जाम्पल थिंग्स। ओके, सो वी यूज एग्जाम्पल व्हेन वी वांट टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन डिफरेंट वेब पेजेस, और व्हेन वी वांट टू एक्सचेंज डिफरेंट इमेजेस और समथिंग बिटवीन डिफरेंट वेब पेजेस। टिफ इमेजेस आपने देखा रहेगा, ये टिफ फाइल्स जो है, ये हम लोगों के बहुत सारे अलग अलग लोकेशन पे, लाइक आपके कोई मैप्स जो आता है वो ये रहता है, कोई अलग से इंफॉर्मेशन जो हम लोग बनाते हैं। देखो मैप जनरेशन जनरेटिंग जो एप्लीकेशंस है, जीआईएस एप्लीकेशन आप टीवाई में पढ़ेंगे, तो वो भी ऐसे टिफ इमेजेस यूज करता है। सो दैट्स बेसिक। जेपीजी कंप्रेशन, दो टाइप के कंप्रेशन रहते हैं जेपीजी के अंदर, लॉसी एंड लॉसलेस कंप्रेशन। नाम में से पता चल रहा है लॉसी एंड लॉसलेस, डिफरेंस क्या रहेगा जल्दी से समझते हैं। लॉसी एंड लॉसलेस, अगर मैं कोई एक इमेज को या कोई भी एक इमेज को मैं अगर उसका क्लैरिटी और आई कैन से कि उसका क्या बोलेंगे हम लोग, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए बिना अगर मैं कोई एक इमेज को कंप्रेस करता हूँ, लाइक मेरे पास कोई एक एचडी इमेज है, लॉसलेस के अंदर क्या होगा, आई हैव एन एचडी इमेज। अब कहीं ना कहीं इसका क्वालिटी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मैंने इसका साइज कंप्रेस किया है, लेकिन मैं वापस इसको अपने ओरिजिनल साइज में ला सकता हूँ, इसको लॉसलेस बोलता है। मतलब मैंने जिप बनाया, तो सर्टेन फाइल्स को मैंने जिप किया, तो जब मैं इसको अनजिप करूंगा तो ये अपने ओरिजिनल क्वालिटी में वापस आ जाएगा, इसको हम लोग लॉसलेस कंप्रेशन बोलते हैं। मतलब द क्वालिटी और द क्लैरिटी ऑफ इमेज डज नॉट गेट लॉस्ट, बराबर है, वो हम लोग यहाँ पे लॉसलेस में आता है। देन लॉसी में क्या होगा, इमेज कंप्रेशन, जहाँ पे क्या होगा, सर्टन इंफॉर्मेशन जो है वो आपका लॉस हो गया और वो रिकवर नहीं हो सकता, तो एक जो क्वालिटी आपका इमेज का मिस हो गया वो आप वापस रिकवर नहीं कर सकते। जैसे आप देखो कि हम लोग MP4 या MKV, ये वीडियो एक्सटेंशंस होते हैं आपके मूवी के अलग अलग, उसमें से अगर मैं 3GP मूवी बनाता हूँ, दैट इज मोबाइल वर्जन वाला, तो ये क्या हो गया, ये लॉसी कंप्रेशन हो गया। मतलब एक बार मैंने 800 MB का जो मेरा वीडियो फाइल है, इसको जब मैंने 100 MB में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद में आई कैन नॉट गेट बैक दिस 100 MB 800 MB वाला वीडियो फाइल, वो लॉसी कंप्रेशन हो गया। एक बार उसका क्वालिटी जो लॉस हो गया, उसके बाद में आप उसको वापस अचीव नहीं कर सकते, ये लॉसी कंप्रेशन होगा। आई होप ये क्लियर है सबको। सो लॉसी एंड लॉसलेस डिफरेंस आई होप समझ में आया सबको, डाउट नहीं रहेगा। एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल समझे, लॉसी कन्वर्जन में क्या रहेगा, मुझे कहीं ना कहीं इमेज को कंप्रेस करना है, लेकिन उसका ओरिजिनल क्वालिटी वापस आएगा जब हम लोग उसको बेसिकली लॉसलेस कन्वर्जन जो है, ये हम लोग डेटा सेंड करने के लिए यूज करते हैं, या हार्ड डिस्क पे जब आपको डेटा अगर स्टोर करना है तो टेम्पररी हम लोग उसको कंप्रेस करेंगे, लेकिन जब आप उसको ओपन करेंगे या रिसीवर एंड पे जब वो रिसीव हो जाएगा, तो वापस वो अपने ओरिजिनल क्वालिटी में आ जाएगा। तो उसका पैटर्न कैसे होगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। लाइक ये मेरा डेटा है, ओके दिस इज माय डेटा, अब इसको मुझे कंप्रेस करना है, तो अभी मैं 5 बार ए भेजू, उसके जगह पे मैं लिखूंगा 5@A, 4@B एंड 3@C, तो मेरा ऊपर वाला जो डेटा है उससे ये वाला मेरा डेटा जो है वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। दिस इज लॉसलेस कंप्रेशन।
और जब मैं रिसीवर साइड पे इसको भेजूंगा तो रिसीवर को क्या पता चलेगा कि भाई हाँ 5 बार ए आएगा, 4 बार बी आएगा, 3 बार सी आएगा, लिख दो वापस, ओरिजिनल क्वालिटी इमेज का मेंटेन हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एक बार जो लॉस हुआ वो हुआ, वापस आप ओरिजिनल इमेज रिकवर नहीं कर सकते। ओवरव्यू दिया हुआ है जेपीजी का, बेसिक है, आप अभी पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें। ट्रांसफॉर्मिंग कोड होगा, मोर इन्फॉर्मेशन, जेपीजी सिमेंटिक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो बेसिक पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं वो समझते जल्दी से एक बार। जेपीजी का कंप्रेशन क्या होगा, दो टाइप के कंप्रेशन रहेंगे। जेपीजी इज कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ लॉसी कंप्रेशन फॉर डिजिटल इमेजेस, है ना, लॉसी कंप्रेशन यहाँ पे फॉलो होता है। एंड वाई जेपीजी, बिकॉज यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन कोडिंग एल्गोरिदम बहुत सारे अलग अलग बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका जो भी इमेज है वो 8x8 का मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है और वहाँ पे हम लोग सारे ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करते हैं। तो जेपीजी सिमेंटिक्स में क्या बोला है, कलर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ड्रॉपिंग सैम्पलिंग आएंगे, फॉरवर्ड डीसीटी, ये आपके अलग अलग एल्गोरिदम्स है जो हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले कलर कॉम्बिनेशन देखो, बाद में इमेज पे सैम्पलिंग अप्लाई करो, देन डीसीटी होगा, क्वांटाइजेशन होगा, डीक्वांटाइजेशन, डिकोडिंग, बाद में कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद में एनकोडिंग होगा, एनकोड मतलब एनक्रिप्ट करना, है ना। आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कलर ट्रांसफॉर्मेशन, कलर कोडिंग लिया, छोटे छोटे सैंपल बना दिए जो आप इजिली फॉरवर्ड कर सकते हैं। देन आपने उसके ऊपर क्या किया, फॉरवर्ड डीसीटी एक एल्गोरिदम टेक्निक अप्लाई किया, बाद में क्वांटाइजेशन अप्लाई किया, उसके बाद में उसको एनक्रिप्ट किया आपने, एनकोड किया, सो दैट हर कोई इसको इजीली एक्सेस ना कर पाए। बाद में आपने उसके ऊपर कंप्रेशन अप्लाई किया, डेटा का साइज थोड़ा कम किया, बाद में कंप्रेस होने के बाद में आप इसको डिकोड करेंगे, बाद में जो आपने क्वांटाइजेशन किया था उसको आपका यहाँ डीक्वांटाइजेशन होगा, यहाँ पे जो फॉरवर्ड डीसीटी अप्लाई किया था वो यहाँ पे इनवर्स डीसीटी होगा, यहाँ पे डाउन सैम्पलिंग किया था वो अप सैम्पलिंग हो जाएगा, एंड वापस कलर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये सीक्वेंस चल रहा है, अब होता क्या है वो देखता है। सो यहाँ से कलर ट्रांसफॉर्मेशन से जब आप नीचे आएंगे तो आपका इमेज जो है वो कंप्रेस हो रहा है यहाँ तक, और कंप्रेस्ड इमेज के बाद में जब आप उसको डिकोड कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, डीकंप्रेस हो रहा है। आई होप समझ में आ रहा है। सो एल्गोरिदम्स कौन से रहेंगे, एल्गोरिदम में देखो, अब यहाँ पे आपको छोटे से एल्गोरिदम दिए, सारे नहीं, मतलब हम लोग पूरा डिटेल में नहीं, जितना आपको ज़रूरत है उतना पढ़ेंगे। सो एल्गोरिदम आपके पास फर्स्ट जो है वो है स्प्लिटिंग एल्गोरिदम, एक बार समझते हैं हम लोग, विल स्टार्ट आर लेक्चर अगेन। सो ये टॉपिक पे थे हम लोग, एज यू कैन सी हम लोग के पास जो ऊपर हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था जेपीजी का, वो तो जो एल्गोरिदम है उसमें ये वाले हम लोग के स्टेप्स है। फर्स्ट जो है वो क्या है, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, स्प्लिट द इमेज इंटू एट नॉन ओवरलैपिंग पिक्सल ब्लॉक, बराबर है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 8x8 हम लोग नॉन ओवरलैपिंग पिक्सल ब्लॉक में हम लोगों ने ये स्प्लिटिंग किया हुआ है। सो फर्स्ट ये हो गया, एंड उसके आगे क्या बोला, इफ द इमेज कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू 8x8 ब्लॉक देन यू कैन एड इट इन एम्प्टी पिक्सल अराउंड द एजेस, जिसको हम लोग जीरो पैडिंग बोलते हैं। मतलब अगर मेरा इमेज अगर छोटा है, 8x8 मतलब टोटल 64 आएंगे ना, 8x64 होते हैं, तो टोटल 64 छोटे छोटे सेल्स आएंगे आपके स्प्लिटिंग में। तो अब अगर मेरा इमेज छोटा सा ही है, 8x8 टाइप का नहीं बन रहा है, तो जितना मेरा इमेज बन रहा है उतना, और बाकी के जो ये बॉक्सेस रहेंगे मैट्रिक्स में, उसको हम लोग जीरो से फिल कर देंगे। यहाँ पे देखो आपको दिया, इमेज स्प्लिट इंटू मल्टीपल 8x8 पिक्सल ब्लॉक। हेलो सर, यस बोलो। स्क्रीन विजिबल, ओके, सो आई होप नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल। सो यहाँ पे इफ यू नोटिस वी हैव, इट्स विजिबल नाउ, राइट। हेलो हेलो, यस सर, या ओके। सो एल्गोरिदम में अगर आप देखेंगे वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग, जहाँ पे 8x8 नॉन ओवरलैपिंग पिक्सल ब्लॉक में, मतलब इन शॉर्ट हम लोग ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे एज वन मैट्रिक्स गिवन हियर। तो ऐसा हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इमेज को डिवाइड करेंगे, जिससे हम लोग को कौन सा इमेज का पार्ट एग्जैक्टली कहाँ पे रहेगा वो पता चलेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये स्टेप वन जो है स्प्लिटिंग, ये स्टेप वन में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बेसिकली द इनपुट इमेज इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर ब्लॉक्स हैविंग 8x8 डायमेंशन समिंग अप टू 64 यूनिट्स इन टोटल, ईच ऑफ दिस यूनिट इज कॉल्ड पिक्सल। बहुत सिंपल है।
और दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर इमेज. तो इमेज जो है वो किससे बनता है, बाई मल्टीपल सच पिक्सल्स. तो आपका इमेज पे क्लैरिटी जितना बढ़ेगा नंबर ऑफ पिक्सल्स उतने बढ़ेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे स्प्लिटिंग के बाद में कलर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बाद में डीसीटी आता है डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, देन क्वांटाइजेशन आता है, सीरियलाइजेशन, वेक्टरिंग. वेक्टरिंग के अंदर आपके दो पैटर्न्स आएंगे, एक आएगा डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड एक रन लेंथ एनकोडिंग आता है, और उसके बाद में ये आएगा. सो हम लोग देखते हैं वन बाय वन. स्टेप वन ये स्प्लिटिंग हो गया. उसके बाद में स्टेप टू जो है जहाँ पे हम लोग कलर कॉम्बिनेशन ऐड करते हैं इमेज के ऊपर. जैसे हम लोग के पास जेपीजी के अंदर दो कलर मॉड्यूल्स है, एक कैन YCBCR. ओके दैट्स वन थिंग गाइस. सो फर्स्ट जो होगा आपका वी हैव दिस कलर पैटर्न ऑन आर जेपीजी इमेज, दैट इज आरजीबी होगा, और एल्स वी हैव फॉर ब्राइटनेस वी हैव दिस वाई फैक्टर. देन फॉर ब्लूनेस सी बी आएगा, एंड फॉर रेडनेस वी हैव सी आर. सो दिस आर द थ्री कलर पैटर्न विच वी हैव, दैट इज जे पी जी यूजेज दिस ब्राइटनेस ब्लूनेस एंड रेडनेस, दिस थ्री थिंग्स आर प्रोवाइडेड हियर. सो टोटल हम लोग के पास आर जी बी है, रेड ग्रीन एंड ब्लू. एंड इफ वी नीड टू इम्प्रूव द ब्लूनेस सी बी अप्लाई करेंगे, देन अगर रेडनेस अप्लाई करना है तो सी आर, एंड सेम वे दिस गोज ऑन. देन कलर कन्वर्जन में सेम थिंग इज गिवन प्रोवाइडेड हियर, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया वही सैम्पलिंग फैक्टर आएंगे यहाँ पे. देन एज यू कैन सी डाउन सैम्पलिंग. डाउन सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, वी वाई इज टेकन फ्रॉम एवरी पिक्सल. वाई मीन्स द ब्राइटनेस इज टेकन फ्रॉम एवरी पिक्सल, एंड उसको हम लोग यहाँ पे कंबाइन करेंगे. सो एज यू कैन सी वाई इज टेकन फ्रॉम एवरी पिक्सल, देन ब्लूनेस एंड रेडनेस आर टेकन फॉर ब्लॉक ऑफ टू टू. सो वी हैव मोर नंबर ऑफ ब्राइट पिक्सल्स एज यू कैन सी. और उसके आगे वन सैम्पल विच इज फॉर ब्लूनेस एंड वन फॉर द रेडनेस. यहाँ पे ये रेड है आपका, दिस इज फॉर रेडनेस एंड दिस इज फॉर ब्लूनेस. ओके सो वी आर कंबाइनिंग दिस टू विद फोर ब्लॉक्स ऑफ दिस ब्राइट वन, एंड ये दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इसको दिस इज वॉट वी मीन बाय डाउन सैम्पलिंग. ओके सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, वाई इज टेकन फॉर एवरी पिक्सल एंड ब्लू एंड रेड ने आर टेकन फॉर अ ब्लॉक ऑफ 2.2 पिक्सल्स. देन उसके आगे नेक्स्ट वी हैव इज फॉरवर्ड डीसीटी. सो व्हाट वी मीन बाय फॉरवर्ड डीसीटी, वी विल इफ वी जस्ट अंडरस्टैंड इट, डीसीटी इज यूज्ड एज अ कोसाइन फंक्शन. एंड वाई वी यूज इट, टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन कंटेंड इन आर ब्लॉक इमेज, जो आपका 8x8 का जो इमेज है पिक्सल, फ्रॉम अ स्पेशल डोमेन टू अ फ्रीक्वेंसी डोमेन. मतलब कितना स्मूथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, कितना स्मूथ आपका कलर विजिबल होना चाहिए, कितना फास्ट इमेज डिस्प्ले होना चाहिए. सो ह्यूमन विजन इज इंटेंसिव टू हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स. मतलब इफ द स्पीड ऑफ समथिंग इज टू हाई फ्रॉम आर नेकेड आई, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू जज व्हाट हैपेंड, ड्यू टू विच इट इज पॉसिबल टू ट्रीट द डेटा करस्पॉन्डिंग टू हाई फ्रीक्वेंसी एज अ रिडंडेंट, दैट इज डुप्लीकेट डेटा. टू सेग्रीगेट द रॉ इमेज डेटा ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, वी नीड टू कन्वर्ट इट फ्रीक्वेंसी इन टू अ डोमेन विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डी सी टी. फ्रीक्वेंसी डेटा जो होगा द स्पीड, फ्रीक्वेंसी मीन द स्पीड एट विच वी आर अप्लाइंग द कन्वर्जन. तो पिक्सल कन्वर्जन जो है वो कितने स्पीड पे होगा, दैट वी अप्लाई विद द हेल्प ऑफ अ डी सी टी फंक्शन. देन As you can see, here we have DCT formula. We will not be discussing this. You can simply just skip out this part. So DC to AC component. DC to AC component में हम लोग क्या बात कर रहे हैं basically? DC component and उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या conversion करेंगे? So we have this two-dimensional DCT component provided here. ये आपका 8x8 image है. और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? For u equal to v, this is the image coordinate with respect to world coordinates. Okay, and this is with respect to viewport, that is your computer screen.
कंप्यूटर स्क्रीन के हिसाब से आपने कहाँ पे क्या चेंजेस किए हैं वो हम लोग यहाँ पे यू इनटू वी से कंसीडर करेंगे. एज वी ऑलरेडी नो व्हेन वी टॉक अबाउट 2D इमेजेस, एक्स एक्सिस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वाई एक्सिस को वी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ वी. सो दैट्स व्हाट वी हैव अप्लाइड हियर एज वेल. सो दैट इज रिटन हियर. आई होप दिस इज सिंपल. देन क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? इफ यू यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वांटाइजेशन, वी आर जस्ट कंबाइनिंग आर इमेज पिक्सल वैल्यूज और वहाँ पे हम लोग एक कुछ वैल्यूज जो है वो एंटर करेंगे. एक सेकेंड, ओके, वी जस्ट डिस्कस फ्रॉम हियर क्वांटाइजेशन. सो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो क्या बोला है. वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वांटाइजेशन टेक्निक्स अवेलेबल, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. A human, humans are unable to see aspect of an image that are at a really high frequency. Since taken, the DCT allows us to isolate where these high frequencies are. So we can take the advantage of this choosing the value by multiplying the DCT matrix by some mask. अब DCT matrix जो ऊपर हम लोगों ने calculate किया था 8x8 वाला matrix जो है इसके ऊपर उसके साथ हम लोग एक masking value apply करेंगे to get the final some processed image. और यहाँ पे वो मास्क में हम लोग क्या यूज करते हैं, जीरो लिखते हैं वहाँ पे, बराबर है. सो दैट बाई फ्रीइंग द मेमोरी दैट हैव बीन रिप्रेजेंटिंग दोज वैल्यूज. सो कोई एक रिपीटेटिव वैल्यू जहाँ पे भी रिप्रेजेंट होते रहेगा उसको हम लोग फ्री कर देंगे. वी जस्ट एड यूनिक वैल्यूज वंस फॉर आवर मैट्रिक्स और उसके आगे के बाकी जो चीज़ें वहाँ पे जीरो जीरो रख देंगे. सो दैट फ्री अप द वैल्यू फ्री ऑफ दैट फ्रीज द मेमोरी इन शॉर्ट. The resultant quantization matrix will only preserve values that is lowest frequency up to the certain point. बराबर है. So quantization जो है reduce the number of bits per sample. That's one thing. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have this Q वाला pattern, a Q function which is a constant Q U comma V. This is the constant. So U और V that is X और Y का आपका जो value है वो हम लोग उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, Q function apply करेंगे. And non-uniform means a custom quantization table that can put an image or a scanner header. JPG standard defines two default quantization. एक luminance होता है, एक chrominance होता है. Difference क्या होता है ये आगे हम लोग देखेंगे. ध्यान से देखो luminance and chrominance. Okay, we have this technique will be discussing in this lecture only in some time. So यहाँ पे आपका quantization का again they have provided this formula, this pattern. तो ये आपको standard formula you supposed to just remember with respect to MCQs. So you should be able to answer कि if I give you this equation, so आपको पता होना चाहिए कि ये equation क्या purpose के लिए. So यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, f of uv represents a DCT coefficient, q of uv quantization आएगा, बराबर है. और f cap uv that is the limit represents the quantization DCT coefficient. That's one thing. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have something which is called as luminance quantization table. So we have this luminance quantization table and chrominance quantization table. So entries of QEV tends to have a larger value towards the lower right corner and this aim to introduce the more loss at the higher special level. Okay, so यहाँ पे आपको देखो ये quantization table दिया हुआ है. अब ये calculation कैसे करना है वो जाने दो. हम लोगों ने क्या बोला, lowest frequencies जो है उसको हम लोग सबसे आगे रखेंगे एक range तक के. So मेरा maximum जो range है यहाँ पे, if you remember this is the quantization coefficient, ये DCT coefficient है. ये दोनों को अगर हम लोग combine करेंगे है ना, यहाँ पे आपका quantization table है एंड दिस इज माई डी सी डी कोएफिशिएंट. वी हैव कम्बाइंड दिस टू मैट्रिक्स और फाइनली आपका ये जो मैट्रिक्स मिला है इसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं वो कितना है, 16 है इंस्टेड ऑफ 160 के लोकेशन पे वी आर मेंटेनिंग द फ्रिक्वेंसी इज ओनली 16. सो क्या होगा कि आपके इमेज में अगर कुछ चेंजेस होंगे ना वो इजिली विजिबल रहेंगे. दैट्स इट. ओके, सो दैट इज वॉट गिवन यर. जिगजैग स्कैन हम लोगों को पता ही है. हम लोगों ने स्टार्टिंग में इमेज स्कैन वाला जो पैटर्न पढ़ा था वैसा ही यहाँ पे जिगजैग स्कैन होगा. तो आपके जो भी 8x8 पिक्सल में आपका जो इमेज डिवाइड हो रहा है तो उसमें यहाँ पे हम लोग ये जिगजैग पैटर्न जो है वो अप्लाई करेंगे. सो इट स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम हियर, देन हियर, देन हियर, देन हियर. तो ये जो पैटर्न दिया हुआ है इसी को हम लोग जिगजैग स्कैन बोलते हैं.
दिस इज द ऑर्डर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मैट्रिक्स, जहाँ पे हम लोग हर एक वैल्यू को स्कैन करके उसके वैल्यूज जो है वो यहाँ पे मेजर करेंगे. ओके सो आई होप दिस इज क्लियर. देन उसके आगे ये वाला जो है ये डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन है. दिस इज अप्लाइड टू डीसी कंपोनेंट. नाउ यहाँ पे क्या बोला है, डीसी कंपोनेंट इज लार्ज एंड वेरीज बट ऑफन क्लोज टू प्रीवियस वैल्यूज. द एंट्रोपी कोड ऑपरेट्स ऑन अ वन डायमेंशनल स्ट्रिंग ऑफ अ वैल्यू. जहाँ पे हम लोग को यहाँ पे वेक्टराइजेशन क्या होता है वो यहाँ पे बताया हुआ है. सो ये सिर्फ आपको पढ़ के रखना है फॉर एमसीक्यू पर्पस. ज़्यादा इतना हम लोग को इसमें डिटेल में नहीं जाना है. हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फॉर एवरी वैल्यू जो भी आपका रो है इंडिविजुअल, उसके पास आपके पास ये सिंगल मैट्रिक्स है. आपका मैट्रिक्स जो है उसका रो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. आपके पास एक वैल्यू रहेंगे मल्टीप्लाई विथ वन रो विथ 64 कॉलम्स. ओके देन रन लेंथ एनकोडिंग जो मैंने आपको पहले बताया. रन लेंथ एनकोडिंग में क्या रहेगा, वी इज अप्लाइड टू एसी कंपोनेंट. जहाँ पे एज यू कैन सी हियर वी हैव दिस पैटर्न विच इज प्रोवाइडेड हियर. सो अभी हम लोगों ने क्या बोला, दिस इज माई ओरिजिनल डेटा. अब ये ओरिजिनल डेटा में कोई वैल्यूज जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 zeros आई विल जस्ट राइट 03 या 0@3, मतलब 0 तीन बार आएगा. देन यहाँ पे 0 वापस एक बार है. देन अगेन वी हैव 0 फाइव टाइम्स, सो आई विल राइट 0@5 समथिंग लाइक दैट. सो उससे क्या होगा कि हम लोगों का जो डेटा है वो यहाँ पे, दिस इज व्हाट वी मीन बाय कंप्रेसिंग द डेटा. जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सेम थिंग विल बी अप्लाइड हियर. सेम प्रोसेस गोज हियर. और उसके बाद में हफमैन कोडिंग आएगा. सो हफमैन कोडिंग डायरेक्ट लॉजिक समझते हैं हम लोग, तो आपको इजीली समझेगा. सो हफमैन कोडिंग में हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो दिस इज वी हैव अ हफमैन कोडिंग. यहाँ पे आपके पास साइज है हफमैन कोडिंग का और यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है. एक सेकेंड, ओके. सो ये देखो ये रन लेंथ एनकोडिंग है, जहाँ पे हम लोगों ने पास 4 0 5 0 है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे उसको कट शॉर्ट करके लिखते हैं. रन लेंथ एनकोडिंग का ये एग्जाम्पल है. और हफमैन कोडिंग, ओके, यहाँ पे आपके पास कोड लेंथ 2 का है, तो आपका कोड क्या आएगा 0 0. अगर आपका साइज 1 का है तो विल राइट कोड लेंथ 3, है ना. तो ये आपका कोड लेंथ यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि आपका साइज क्या है. लुकअप द टेबल फॉर जनरेटिंग अ कोड वर्ड फॉर द साइज. तो अगर आपका इमेज साइज क्या है उसके हिसाब से. और ये एल्गोरिदम जो है ये मैं आपको एग्जाम में ये वाला नहीं पूछूंगा. सो यू कैन स्किप फॉर नाउ, नो प्रॉब्लम, ये छोड़ दो. हम लोग जब कॉलेज में होता है ना तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं. ऑनलाइन थोड़ा आपको नहीं समझेगा. लेट इट बी. हफमैन कोडिंग यहाँ तक ये जो लिखा हुआ है वो जाने दो. आपको सिर्फ याद कौन सा रखना है पता है, ये रन लेंथ एन कोडिंग याद रखो, बस ये आपको पता होना चाहिए. सो मेरे पास 42 bit का ये नंबर है. और इसमें अभी हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोग के पास 6 कितने बार है, 0 कितने बार है, 6 टाइम. तो आई विल राइट 0@6, 14@1. देन सेम वे यहाँ पे ये 0 सपोज 10 बार है, तो 10@0, देन 8@1. सो दिस इज हाउ वी विल कन्वर्ट और कंप्रेस आवर डेटा. सो इतना 42 बिट्स के जगह पे वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 बिट्स में आपका सेम काम जो है वो हो गया. सो इसको हम लोग रन लेंथ एनकोडिंग बोलते हैं. तो यहाँ से ये पूरा नहीं करना है, जो सिलेक्टिव पार्ट मैंने बोला उतना आपको याद रखना है. हफमैन एनकोडिंग छोड़ दो, वो नहीं करना. ओके सो ये आपका इमेज कंप्रेशन वाला हो गया. देन पर्पस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है, वाई वी प्रोसेस आर इमेज, वो हम लोग को पता ही है. सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग दिया हुआ है. दैट्स लास्ट पार्ट ऑफ आर टॉपिक. सो इमेज प्रोसेसिंग क्या होगा, पर्पस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इमेज प्रोसेस करके उसको शार्पन करते हैं, उसको ब्राइट बनाते हैं, उसको थोड़ा डल बनाते हैं, कहीं भी उसका इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, सो दैट बाकी ऑब्जेक्ट्स क्लियर विजिबल हो, है ना. सो दिस आर द डिफरेंट पॉइंट्स विच आर अवेलेबल हियर. सो वही अगर आप देखेंगे, वी हैव कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग एंड हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन. कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मतलब अगर मैं सन के सामने अगर एक इमेज अगर कैप्चर करता हूँ, तो सन बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगा और हम लोगों का इमेज जो है वो पूरा ब्लैक आएगा. तो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का मतलब है कहीं ना कहीं कोई एक ऑब्जेक्ट का इंटेंसिटी कम करके दूसरे का बढ़ाना. क्लियर है, तो ये आपका आएगा. देन हिस्टोग्राम का मतलब है कोई एक पिक्सल वैल्यू को आपको क्या करना है, फ्लैटन आउट करना है, इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करना है कोई एक ऑब्जेक्ट को, बैकग्राउंड कहीं पे थोड़ा सा ब्लर करना है, तो आपका इमेज जो है वो ज़्यादा प्रॉपर दिखे. सो दैट इज अ बेसिक पॉइंट. इसमें अभी कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है. हफमैन एनकोडिंग जो मैंने स्किप किया वो छोड़ देना,
ऊपर के दो चार स्लाइड जो मैंने स्किप किए वो छोड़ देना है, दैट्स इट। और वो छोड़ के बाकी का जो पॉइंट्स है वो आप पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट्स लेट मी नो। यहाँ पे आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। इतना आपको याद रखना है जो मैंने आज पढ़ा आपको, और बाकी जो है हम लोग जब अगर कॉलेज में होता ना तो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा वो सम्स और वो प्रैक्टिस करता है। विदाउट प्रैक्टिसिंग अगर हम लोग ऐसे ही अगर वो अप्लाई करेंगे सो प्रॉपर नहीं रहेगा। ओके, नाउ टेल मी एनी डाउट्स, जल्दी बताओ। हेलो, एनी डाउट्स एनीवन गाइस? एस वाई? ओके ओके, ठीक है। सो आई विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर देन।